हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हो गया दोस्तों। OGC माइनिंग में अगर हम आप भी कर रहे हैं माइनिंग, तो दोस्तों अब आपका सवाल होगा कि हम अपने टॉकन को किस तरह से क्लेम करेंगे, विड्रॉल किस तरह से करेंगे। इनका लेटेस्ट अपडेट आ चुका है दोस्तों, किस तरह से आप यहाँ पर अपने टास्क को पूरा करेंगे और किस तरह से आप यहाँ पर अपने कॉइन को क्लेम करेंगे, विड्रॉल करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। अब दोस्तों अगर मैं आपको इनका ऑफिशियली अपडेट की तरफ अगर ले करके जाना चाहूँ, तो आप देखेंगे इनका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इन्होंने एक अनाउंसमेंट प्रोवाइड किया है। इनका जो ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है किसी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से। तो दोस्तों इनकी एक यहाँ पर ये पार्टनरशिप हो चुकी है जो कि एक ये वॉलेट है। अब ये इनके टोकन को क्लेम करने में इनकी मदद करेगा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इस वॉलेट से की है पार्टनरशिप। तो हैज़ ग्रुप में अपने नया ग्लोबल एक्सचेंज यहाँ पर हैज़ की के नाम से इन्होंने लॉन्च कर दिया है। पर लॉन्च क्या है, तो दोस्तों ये सिर्फ यहाँ पर आपके टोकन को क्लेम करने में आपकी मदद करेगा, जो मैग्नेट कॉइन रहेंगे। और इसी में अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको 2500 OGC टोकन सबसे पहले प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी एक एक्सचेंज भी होने वाला है, तो इसमें किस तरह से आपको यहाँ पर भाग लेना है, क्या क्या प्रोसेस करने हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने यहाँ पर इसके साथ पार्टनरशिप करी है, जिसमें अगर आप यहाँ पर साइन अप करेंगे तो OGC 25 टोकन आपको मिलेंगे पर पर्सन को। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको OGC टोकन जो माइनिंग ऐप है उसमें जाना है, पार्टनर ऐप पे क्लिक करना है, हैज़ ग्लोबल पर टैप करना है और आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद अपना KYC को पूरा करना है। तो किस तरह करेंगे, आप आएंगे OGC माइनिंग में, माइनिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा पार्टनर ऐप। कहाँ पर मिलेगा, इस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पार्टनर ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों ये सब इनके यहाँ पर पार्टनर हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी टास्क अगर आप यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो आपको एयरड्रॉप मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा, या मैंने भी यहाँ पर कंप्लीट कर रखे हैं, आप भी इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों का पार्टनर है, आप यहाँ पर देखेंगे ये भी जो 25 टोकन है वो मेरे क्लेम हो चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हैज ग्लोबल की के ऊपर, ठीक है। जब आप यहाँ पर हैज ग्लोबल की के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या प्रोसेस करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर ईमेल देना है, पासवर्ड सेट करना है और इनका रेफर कोड रहेगा टिक मार्क करना है, आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है। तो चलिए मैं पहले साइन अप कर ले। तो डियर फ्रेंड, इस तरह का एक कैप्चा आएगा आपके सामने, तो इस कैप्चे को आपको क्या करना है, सोल्व कर देना है। सोल्व करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी लिमिट रहेगी 10 मिनट। तो आपको क्या करना है, आपका जो जीमेल है उस पर आपको विजिट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं विजिट कर लेता हूँ, जीमेल पर कोड लाने के बाद यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, मैंने जो कोड है कोड इंटर कर दिया। कोड इंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो APK फाइल आई है इसको आप कर लेंगे लोडिंग। तो चलिए मैं इसको लोडिंग पहले कर लेता हूँ। तो आपकी APK फाइल यहाँ पर लोडिंग हो रही है दोस्तों, आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर लोडिंग हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको लोडिंग एंड इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं फटाफट होने देता हूँ, जैसे कि आपके सामने लोडिंग चल रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको लोडिंग होने देंगे। चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो दोस्तों ये मेरा लोडिंग हो गया। लोडिंग होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट कर लूँगा। और आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इसको ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर साइन इन एंड यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड और जीमेल दिया था। तो मैं अब इसमें क्या करूँगा, लॉग इन करूँगा। तो चलिए मैं फटाफट जीमेल देने के बाद, पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो एक कैप्चा आएगा, कैप्चा को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका कैप्चा सोल्व हो जाएगा। और आप यहाँ पर वॉलेट में जब लॉगिन होने जाएंगे तो फिर से आपको एक कोड जाएगा आपके मेल के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, कोड यहाँ पर कॉपी करने के बाद इंटर कर देंगे। तो ये कोड यहाँ पर आ चुका है, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इसको इंटर यहाँ पर कर दूंगा, ओके के बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर साइन अप हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे अपनी KYC को।
तो वेरीफाई के बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका जो आईडी कार्ड है वो मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा, अबाउट प्रूफ मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या प्रोसेस करना है, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फ़ोन नंबर यहाँ पर देना है। तो चलिए मैं फ़ोन नंबर एक यहाँ पर देने के बाद वेरीफाई करता हूँ, सेंड कोड पर क्लिक करता हूँ। तो डियर फ्रेंड, जब आप यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हैं तो टिक मार्क करेंगे, वरना आप यहाँ पर अदर के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं अदर के बटन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए, सेल्फी आपका एक चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, यानी कि आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका इंडियन यहाँ पर क्या आने वाला है, तो पासपोर्ट ये यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पासपोर्ट को यहाँ पर चेंज करेंगे, एरो के बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये पासपोर्ट मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना केवाईसी करने के बाद विड्रॉल कर लूँगा अपने कॉइन को बहुत ही आसानी से। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पासपोर्ट यहाँ पर नीड पड़ेगी केवाईसी के लिए, तभी आप यहाँ पर विड्रॉल कर पाएंगे ओजीसी टोकन को। अगर आप दूसरी कंट्री से हैं तो आप अपने कॉइन को बहुत ही आसानी से विड्रॉल कर पाएंगे और आपका यहाँ पर केवाईसी भी हो जाएगा। अलग अलग स्टेट को यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया है कि इस स्टेट को क्या यहाँ पर केवाईसी का पीरियड दिया है, दूसरे स्टेट को क्या यहाँ पर केवाईसी का इंटरफेस दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे और आप अपना विड्रॉल फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर ले लेंगे। तो अपडेट पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।